नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। चुनावों को लेकर सीएम ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, पंचायत चुनाव सितंबर महीने में ही होंगे, वहीं अगस्त महीने में इसी सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार के पंचायत चुनाव करने के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम ने कहा कि कोर्ट का प्रोसीजर चलता रहेगा, चुनाव टालने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए हरियाणा सरकार के आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। कोर्ट में मामले में पहली सुनवाई 27 जुलाई को हुई, वहीं 11 अगस्त को भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। और कोर्ट में 3 बेंच की ओर से की गई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दायर नहीं किया है। प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है। इसी के चलते चुनावों को टालने के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव पर सीएम का बयान, सितंबर महीने में होंगे पंचायत चुनाव, अफवाहों पर ध्यान ना दें, ऐसा भी सीएम मनोहर लाल ने कहा है। इसी हफ्ते में हो गई तारीखों की घोषणा। चुनाव के लिए सरकार की तैयारियां पूरी। कोर्ट का लंबा प्रोसीजर है, चलता रहेगा, चुनाव टालने की कोई उम्मीद नहीं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट की। ओपी धनखड़ ने इस अवसर पर उन्हें तिरंगा भेंट करते हुए हरियाणा में अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों और हर घर तिरंगा अभियान की विस्तृत जानकारी दी। तो दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां जेपी नड्डा से ओम प्रकाश धनखड़ ने मुलाकात की, तो वहीं उन्होंने जेपी नड्डा को तिरंगा भी भेंट किया और साथ ही साथ प्रदेश में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी उन्होंने दी। फरीदाबाद में हैवानियत का एक मामला सामने आया है, जहां 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है और बच्ची के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मासूम देर रात फ्रेश होने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। बच्ची के परिजन उसे रात भर ढूंढते रहे, लेकिन अहले सुबह बच्ची की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। मासूम के कपड़े अस्त व्यस्त मिले। फिलहाल पुलिस बलात्कार के बाद हत्या का मामला दर्ज कर चुकी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। किया उसकी हत्या कर दी गई है और उस संबंध में हमारी पुलिस और हम मौके पर पहुंचे थे। मौके पहुंचने के बाद देखा कि उसकी डेड बॉडी है और थोड़ा खून भी आया हुआ था और उस संबंध में डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम में रखवा दिया है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है 302 का। और जैसी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बाद जो कार्रवाई बनेगी आगे और जो सुराग हम लगा रहे हैं उसका जल्दी से पता करके दोषियों को गिरफ्तार शीघ्र कर लिया। अंबाला के आसपास के एरिया में विस्फोट सामग्री मिलने के बाद खुफिया तंत्र अलर्ट पर है। स्वतंत्रता दिवस से पहले अंबाला शहर में स्थानीय पुलिस ने स्क्वाड डॉग की मदद से शहर के बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की तरफ से विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बस अड्डे पर खड़ी बसों की भी तलाशी ली गई, तो वहीं मौके पर मौजूद एसएचओ रामकुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के दौरान अंबाला के सभी होटल और रेस्टोरेंट्स को भी चेक किया जा रहा है। अंबाला से खबर आपको बता दें, जहां स्वतंत्रता दिवस पर प्रशासन जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है और ऐसे में पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया है और बस अड्डों पर भी तलाशी की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमने नाके लगाए हुए हैं, जैसे
कोई सस्पेक्टेड व्हीकल है, सस्पेक्टेड व्यक्ति है, उसको चेक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो भी होटल, ढाबे, धर्मशाला और अन्य संस्थान है वहाँ उनकी भी टाइम टू टाइम चेकिंग की जा रही है। और इसी कड़ी में जैसे हमारी एंटी सैबोटेज चेक टीम है वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल इत्यादि वहां पर भी चेकिंग कर रही है। और इसी कड़ी में आज ये बस स्टैंड को चेक किया गया। रुक कर दे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर करनाल से आ रही है। तो करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां बीजेपी ने बैठक की, तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विभाग और प्रकोष्ठ की बैठक हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी करनाल से। तो बीजेपी के विभाग एवं प्रकोष्ठ की बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इसमें शिरकत की। वहीं तिरंगा यात्रा को लेकर पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। तो करनाल से ये बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी के विभाग और प्रकोष्ठ की बैठक। बीजेपी के विभाग एवं प्रकोष्ठ की हुई बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की शिरकत, तिरंगा यात्रा को लेकर लगाई पदाधिकारियों की ड्यूटी। बड़ी और अहम जानकारी करनाल से। तिरंगा यात्रा को लेकर पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी के विभाग एवं प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शिरकत की। और साथ ही आपको बता दें कि बैठक के बाद तिरंगा यात्रा में अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी करनाल से आपको बता दें, जहां बीजेपी के विभाग एवं प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। तो वहीं इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की और तिरंगा यात्रा को लेकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। आज हमारे सभी प्रकोष्ठ और विभागों के जो प्रदेश टोली है उसको यहाँ इकट्ठा बुलाया था। सबसे निवेदन किया है कि अगले 3 दिन में वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, डॉक्टर प्रकोष्ठ डॉक्टरों में, वकील प्रकोष्ठ वकीलों में, व्यापारी प्रकोष्ठ व्यापारियों में, शिक्षक प्रकोष्ठ शिक्षकों में, हर प्रकोष्ठ अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में हर जिले में कार्यक्रम संपन्न करेगा, जिससे वो भी इस क्षेत्र के, अपने अपने क्षेत्र के लोग इस तिरंगा अभियान के महत्वपूर्ण तरीके से भागीदार बने। यही आज की बैठक का मुख्य एजेंडा था। जिला फतेहाबाद के मनरेगा मजदूरों का करोड़ों रुपए का मंजूरी का पैसा सरकार की तरफ से बकाया है। सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरों से 100 दिन मजदूरी का काम पूरा करवाया, लेकिन मजदूरी का बकाया नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि जिसको लेकर मनरेगा मजदूर रतिया पहुंचे और एसडीएम कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया। इस धरने पर सैकड़ों महिलाएं भी मौजूद हैं। मजदूरों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो रतिया से खबर आपको बता दें, जहां पर मनरेगा मजदूरों ने धरना दिया है। वहीं आपको बता दें कि मनरेगा मजदूरों को उनकी मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया, और जिसके बाद अब मनरेगा मजदूरों ने रोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि मजदूरों का कहना है कि उनसे 100 दिन की मजदूरी तो करवा ली गई है, लेकिन उनका पैसा अभी तक उनको नहीं दिया गया है। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन रतिया तहसील कमेटी के आह्वान के ऊपर यहाँ रतिया इलाके के अनेकों गांव के हजारों मजदूर अपने मांग और मुद्दों को लेकर न एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन पड़ाव डाल के बैठे हैं। ये जो इसमें मुख्य मांग है, एक तरफ मोदी जी सबका प्रचार कर रहे हैं। भिवानी में हरियाणा बोर्ड ने कंपार्टमेंट के पेपर का रिजल्ट घोषित किया है। 10th और 12th क्लास का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www. पर देखा जा सकता है। वहीं इस परीक्षा में 61,707 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। 38,063 छात्र और 23,544 छात्राएं शामिल रही। तो वहीं सेकेंडरी का रिजल्ट
70.40 और सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट 67.49% रहा। तो भिवानी से खबर आपको बता रही, जहां हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, तो वहीं कंपार्टमेंट का रिजल्ट भी जारी किया गया है। 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं शैक्षणिक मुक्त विद्यालय का एक दिवसीय परीक्षा परिणाम, यानी कि जिन विद्यार्थियों की एक विषय में कंपार्टमेंट आई थी उनकी 31 जुलाई को परीक्षा ली गई थी और आज रिकॉर्ड समय में 11 दिन के अंदर ये परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। इस परीक्षा में कुल 61,707 परीक्षार्थियों ने प्रवेश लिया, जिसमें से 38,163 छात्र थे और 24,552 छात्राएं शामिल हुई। परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं वो बहुत जल्दी ही भेजे जाएंगे। इसके अलावा नियमित परीक्षार्थी जिनको पहले प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जैसे भर्ती वगैरह के लिए अभी आजकल 16 तारीख से शुरू हो रही है भर्ती, तो वो अपने संबंधित विद्यालय से अथॉरिटी लेटर लेकर के अपना प्रमाण पत्र यहाँ से बाई हैंड ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो स्वयं पाठी विद्यार्थी रहे हैं, यानी मतलब जो रेगुलर नहीं हैं, वो अपना रोल नंबर व आधार कार्ड लेकर बोर्ड कार्यालय से 16 अगस्त 2022 को अपना प्रमाण पत्र दस्ती ले सकते हैं। करनाल में स्थित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में बागवानी फसलों की उन्नत किस्में तैयार करने के लिए उत्तम तकनीकी यंत्रों के साथ लैस प्लॉट फिजियोलॉजी लैब बनाई गई है। इस लैब में जलवायु परिवर्तन से हो रहे फसलों पर कुप्रभाव को देखते हुए वैज्ञानिक शोध में पौधों पर डीएनए की जांच और जीन की ओर से संचालित भौतिक क्रियाओं पर शोध की आवश्यकता को ध्यान में रखकर एमएचयू कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने इस शोधशाला की आवश्यकता पर विचार किया है। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास, उत्तम गुणवत्ता की जीन्स की खोज और वातावरण जनित तनाव की समस्या के समाधान के लिए जीन स्तर पर शोध कार्य किया जा रहा है। इस प्रयोगशाला में सभी सुविधाएं भी हैं। तो करनाल से खबर आपको बता रहे, जहां बागवानी फसलों के लिए कई किस्में जो हैं वो तैयार की गई हैं। किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। यहाँ पे वो अपने सैंपल्स, सॉयल सैंपल्स या प्लांट सैंपल्स कुछ भी जो जांच कराना चाहते हैं यहाँ पे वो करा सकते हैं। जैसे हम सॉयल सैंपल लेके आए हैं, उसकी हमने स्लाइड तैयार की है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको हमने देखा है और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो इन सब चीज़ों पर हम यहाँ पर काम करते हैं। ये महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की पहली रिसर्च लैब है, जिसमें हम किसानों के तक तकनीक को पहुंचाने के लिए उत्तम किस्म की शोध करेंगे और इसमें हम पौधों की जो भौतिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं पर एडवांस्ड रिसर्च के लिए हमारा ये प्रोग्राम है और इसमें खास तौर से जीन लेवल की रिसर्च, मिट्टी में जो जीवाणुओं की संख्या है उसको बढ़ाने को लेकर के रिसर्च, जिससे हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो जहरीले रासायनिक पदार्थ हैं उनका खेती में उपयोग होने को हम रोक सकते हैं। हमारी जो हमारा उचानी में सेंटर है ऑफिस है वहीं पर हमने ये बनाई है और ये एक आधुनिक किस्म की लैब है। इसमें हमारे जो भी इक्विपमेंट हैं वो नॉर्थ इंडिया में जो भी बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट है वो हमने यहाँ पर उपलब्ध करवाए हैं और इसमें हर तरह की जांच हम करेंगे, मिट्टी की जांच करेंगे, इसमें बीज की जांच करेंगे, इसमें पौधों की जांच करेंगे और ये हम और भी इस पे तरह तरह की अगला अलग जीन लेवल तक इसमें हम स्टडी करेंगे और फिर स्टडी करने के बाद जो भी उत्तम बीज या नर्सरी तैयार होंगे वो किसानों को भी उपलब्ध कराएंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस साल स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए देशभर में जमकर तैयारियां चल रही हैं, साथ ही साथ जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। घर घर तिरंगा लहराने और शहर भर में तिरंगा लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
दरअसल हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर के सभी निजी और शासकीय संस्थान हर आदमी अपने अपने स्तर पर देश की आन बान शान को लेकर अपनी कोशिशें कर रहा है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, चरखी दादरी, होडल, इंद्री, भिवानी, गुरुग्राम और तौशाम की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर घर तिरंगा फहराने की अपील लोगों से की जा रही है। फरीदाबाद से है, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने कार्यालय पर लोगों को तिरंगा वितरित किए। साथ ही लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और उन्हें कहा कि 13, 14 और 15 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा तिरंगा फहराने का काम करें। वहीं उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव, इसका ऐवान एक साल पहले साबरमती आश्रम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके तहत 13, 14, 15 तारीख को सभी लोगों ने अपने घरों पर झंडा फहराना है। आज झंडा वितरण का कार्यक्रम यहां पर हमने कार्यकर्ताओं के साथ किया, कार्यकर्ताओं को कि अपने पड़ोस पड़ोस में गली मोहल्ले में ले जाकर इस तिरंगे को लगाने का काम साल पूरे होने वाले हैं। और आज देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व इतनी बड़ी ताकत के रूप में है कि आज विश्व उसकी ओर देख रहा है और विश्व के बड़े बड़े देश अगर कोई भी बात हो, कोई भी तरीके की मंत्रणा हो, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विचार विमर्श किया जाता है और देश पूरा का पूरा विश्व आज भारत की ओर बड़ी कहते हैं ना बहुत सारी उम्मीदों भरी निगाहों। चरखी दादरी पुलिस ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत चरखी दादरी शहर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने किया। तिरंगा यात्रा को महिला थाना प्रभारी उर्मिला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा महिला थाना से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गो से होती हुई वापस महिला थाना में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में चरखी दादरी पुलिस की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जैसे ये आपको पता, ये देश में तिरंगा या 75वें हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा हर देश के हर कोने में चल रही है और हर घर तिरंगा के जो दिवस है मनाया जा रहा है, तो उसी लिए एवज में पुलिस की दादरी पुलिस पीछे नहीं है, तो हम भी इस हफ्ते पूरा तिरंगा यात्रा को मनाएंगे और हर घर तिरंगा जो दिवस है उसको अच्छे से मनाएंगे। दादरी शहर में लगभग हम काफ़ी जगह छोटे जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हुए आतंकवादी हमले में हांसी के निशांत मलिक और पृथला के शाहजापुर के मनोज भाटी शहीद हो गए। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन देश की रक्षा में शहीद हुए निशांत मलिक की तीन बहनें हैं। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए निशांत की शहादत पर सभी को गर्व है। तो वहीं पृथला विधानसभा के गांव शाहजापुर के मनोज भाटी जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राजौरी सेक्टर के परगल आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया था और इस आतंकी हमले में भारतीय सेना के दो अन्य जवान भी शहीद हो गए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को भी मार गिराया। मनोज के शहीद होने से की खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में लोग काफी दुखी हैं, लेकिन सभी को देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए मनोज की शहादत पर गर्व है। भारत में मंकी पॉक्स की एंट्री के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकारें एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रही हैं। सरकार की ओर से लोगों को भी अलर्ट और सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं अंबाला स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स के चलते अलर्ट पर है। निजी अस्पतालों
को स्किन एलर्जी वाले संदिग्ध मरीजों की जानकारी साझा करने के लिए बोला गया है। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति के लिए अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि मंकी पॉक्स बीमारी सांस के जरिए शारीरिक संबंधों और ज्यादा समय संपर्क में रहने से फैलती है। इस बीमारी में शरीर पर निशान और पिंपल निकल आते हैं। अभी तक प्राइवेट अस्पतालों की ओर से संदिग्ध स्किन एलर्जी वाले 20 मरीज सरकारी केंद्रों में भेजे जा चुके हैं। ऐसे मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन अभी तक किसी भी मरीज में मंकी पॉक्स की पुष्टि नहीं हुई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। मंकी पॉक्स के जो अभी तक मामले सामने आए हैं, केरल से मामला है, केरल में एक संदिग्ध की डेथ भी हुई है। दूसरे जो मामले हैं वो दिल्ली में एक मामला आया है, और जो मामले सामने आए हैं उनमें सिर्फ एक मामले को छोड़ के सारे जो बाहर से आए हैं उन्हीं में ये मामले सामने आ रहे हैं। जहां तक अम्बाला स्वास्थ्य विभाग की बात है कि मंकी पॉक्स पहली बात तो सांस के भी फैलता है, कॉन्टेक्ट के जरिए भी फैलता है, और ये है उसके अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके जरिए भी फैलता है। ज्यादातर अगर लगातार कोई कॉन्टेक्ट में रहता है तो उसमें ज्यादा फैलता है। चरखी दादरी जिले के चंदेनी गांव के सांगवान ने ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय गीरा स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित 29वीं कैटलबेर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। गोल्डन बॉय विनय की इस सफलता को मनाने के लिए चंदेनी गांव में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने विनय सांगवान का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। विनय सांगवान ने बताया कि किसी काम को हासिल करने के लिए मेहनत के साथ साथ परिजनों और ग्रामीणों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। ग्रामीणों ने उन्हें जो मान सम्मान दिया है वो बड़े गर्व की बात है। विनय सांगवान के पिता मेजर तोख राम ने कहा कि विनय सांगवान ने अपने क्षेत्र और प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन किया, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस लड़के ने बहुत मेहनत की और उसका परिणाम मिला इसको, और उसकी वजह से हम सब का नाम जो है गौरवमय हो। सब जो है आज नाम ले रहे हैं कि भाई जिनका बच्चा है, चनानी का बच्चा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले तो मैं मेरे सारे ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे सब बड़े, मेरी बहनें, मेरे भाई, माताएं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत किया हमारा, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं देश के लिए मेडल जीत पाया। छठा ऐसा मौका था मेरा कि मैं एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आया हूँ। पिछली बारी फ्रांस से लेके आया था, अब की बारी ग्रीस में हुई थी ये चैंपियनशिप। 29वीं IGSF कैटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप बोलते हैं। ये पहली ऐसी संस्था है, पहली ऐसी फेडरेशन है जिसने कैटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत करी थी। सब के अंदर दो गोल्ड कप जीत के आया है, इसके अंदर इसके कारण गांव में बहुत ही बड़ा उत्साह है, खासकर युवा शक्ति में। युवा जो जवान है वो सभी बहुत ही खुश हैं कि हमारा भाई पूरे वर्ल्ड में नाम कमा के आया है। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।